डबरा की जनता तू भगवान है, इस प्रदेश की जनता पर तेरा बहुत एहसान है। हद कर दी कमलनाथ की सरकार के मंत्रियों ने। अपने ही मुख्यमंत्री का संदेश वाचन नहीं कर सकी इमरती देवी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में। ये वाक्या है ग्वालियर जिले का, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे करीबी महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी सीएम कमलनाथ का गणतंत्र दिवस पर संदेश तक नहीं पढ़ पाई। हद तो जब हो गई जब वो एक लाइन ठीक से भी नहीं पढ़ पाई, लेकिन उन्होंने अपनी इस गलती पर लज्जा नहीं आई, बल्कि मंच पर से ही हंसी टटोली करते हुए कलेक्टर को संदेश वाचन करने का आदेश दे दिया। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष अमरदीप औलेख ने इस पर संविधान का मजाक उड़ाना कहा है। अब देखने लायक होगा कि इस पर पार्टी आलाकमान क्या एक्शन लेता है। कलेक्टर साहब पढ़े हैं। देखिए, अभी मैं आपसे पहले वही देख रहा था, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री जी का वाचन पूर्ण तरीके से नहीं पढ़ पा रही, और उसके बावजूद वो उसको आधा अधूरा छोड़कर और पीछे जाके हंसने लगी। ये अपने आप में लोकतंत्र का मजाक है। और ये आप लोग सब समझते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार में मुझे लगता नहीं है कि ऐसे पढ़े लिखे मिनिस्टर हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार को चला सकते हैं। आपके सामने ये जीता जागता एक बहुत बड़ा सबूत है।